अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था अनुसंग गुणधर्म के बारे में, जिसमें हमने सीखा था अनुसंग गुणधर्म विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, जो चार प्रकार के होते हैं। पहला वास्तदाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा पराशनदाब, तीसरा क्वथनांक में उन्नयन और चौथा हिमांक में अवनमन। इन सभी को पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे एक नया टॉपिक, वानथाप गुणांक। वानथाप एक साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने एक गुणांक दिया, उन्हीं के नाम पर इन्हें हम कहते हैं वानथाप गुणांक। तो उन्हीं के नाम पर आया है हुआ है ये फैक्टर। तो आइए समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों आई। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि जब प्रयोगशाला में हम लोगों ने पराशरण दाब या जो भी अनुसंग गुणधर्म है उसको हमने निकाला, तो उसका जो मान है वो कुछ अलग आया, और जब हमने फार्मूले की सहायता से गणनात्मक वैल्यूज की निकाली तो कुछ अलग आई। कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनकी जो गणनात्मक वैल्यू थी और प्रयोगशाला में जो वैल्यू निकाली जा रही थी वो सेम भी आई, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ थे जिनकी अलग अलग आ रही थी। तो वैज्ञानिक सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए वानथाप ने सफलता हासिल की और उन्होंने क्या बताया कि वियोजन या संगुणन के कारण कणों की संख्या परिवर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप अनुसंग के गुणधर्म भी परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो अनुसंग गुणधर्म होता है वो विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो जब कणों की संख्या बदलेगी तो अनुसंग के गुणधर्म भी बदल जाएगा। कणों की संख्या कैसे बदलेगी? जैसे मान लीजिए जितने अणु उसमें टूटने चाहिए थे उससे ज़्यादा अणु अगर टूट गए तो वियोजन ज़्यादा हो गया, कणों की संख्या बदल गई। जितने अणु उसमें होने चाहिए थे क्या हुआ, वो सारे कण आपस में चिपक गए, तो उनका क्या हो गया, संगुणन हो गया। तो वियोजन हो जाए या संगुणन हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ेगा, कणों की संख्या बदल जाएगी, और जैसे ही कणों की संख्या बदलेगी अणुसंग गुणधर्म भी बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में वानथाप ने बताया कि अनुसंग के गुणधर्मों का जो प्रेक्षित मान है, जो हमने प्रयोगशाला में निकाला है, वो मान सैद्धांतिक या गणनात्मक मान से अलग होता है। सैद्धांतिक या गणनात्मक मान से क्या होता है, अलग होता है। इस स्थिति में वानथाप ने एक संशोधन गुणांक दिया, याद रखिएगा एक संशोधन गुणांक दिया, जिसे वानथाप गुणांक कहते हैं। इसे हम स्मॉल आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इन्होंने अपने फॉर्मूले में बताया कि आई आप कैसे निकालेंगे, तो आई बराबर वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की कुल संख्या बटे वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की कुल संख्या। ये फॉर्मूला आपने मिलता जुलता से फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है क्लास टेंथ में, वियोजन की मात्रा, वहाँ पे आपने भी यही पढ़ा था कि वियोजन की मात्रा में आपने क्या सीखा था कि वियोजन के पश्चात कणों की कुल संख्या बटे वियोजन के पूर्व कणों की कुल संख्या। तो यहाँ पर हम अल्फा क्यों नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हम आई क्यों नहीं इन्होंने दे दिया। जब हम बात करेंगे वियोजन की तो अल्फा लिखिए बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर वियोजन भी हो सकता है और संगुणन भी हो सकता है। तो आयोटा एक, ये जो आई है आयोटा भी इसको हम पढ़ सकते हैं, ये वानथाप गुणांक ने इसे दिया, इसलिए हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं, बाकी आप इसी प्रकार इसको याद रखिएगा। एक बात और आपको याद दिला दूं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अगर विलियन में आपने ये नहीं सीखा तो आप कोई भी सवाल नहीं हल कर पाएंगे, इसलिए इसको हम यूट्यूब पे भी प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे भी इसको बताया जाए, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं नहीं पढ़ पाते होंगे इसको, कोई बताता भी नहीं है इस टाइप से। तो आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। चूँकि अणुसंघ के गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो जहाँ जहाँ कणों की संख्या होगी, जहाँ जहाँ कणों की संख्या है वहाँ हम क्या रख देंगे, अणुसंघ के गुणधर्म। जहाँ कणों की संख्या वहाँ मैंने क्या कर दिया, अणुसंघ गुणधर्म। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कण अणुसंघ के गुणधर्म जो होते हैं वो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब आ जाइए, हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, आयोटा आई बराबर प्रेक्षित या असामान्य अणुसंघ गुणधर्म बटे गणनात्मक या सामान्य अणुसंघ गुणधर्म। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने रहेगा, वो ये कि जो अणुसंघ गुणधर्म है, जो अणुसंघ गुणधर्म है वो समानुपाती होगा एक बटे विलय का अणुभार।
अगर हम इसको इस फार्मूले में अप्लाई कर दें तो हमें ये नया फार्मूला मिल जाएगा। आप देख सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती अणुभार, इसलिए प्रेक्षित या असामान्य अणुसंघ गुणधर्म कहाँ चला जाएगा? नीचे। और गणनात्मक या सामान्य अणुसंघ गुणधर्म कहाँ जाएगा? ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब बात करें आगे की, तो आपको एक नोट याद रखना है। नोट में ये है, ग्लूकोज यूरिया जैसे विद्युत अनपघट्यों के लिए कि जो आई का मान होगा वो 1 होगा। ये वही विद्युत अपघट्य हैं जिनका ना तो वियोजन होता होगा ना तो संगुणन होता होगा। इनकी संख्या कणों की जितनी है उतनी पहले भी होगी, बाद में भी वही होगी। चलिए फार्मूले में अप्लाई करके देखते हैं। वांट आपने जो फार्मूला दिया आई बराबर 1 वहाँ पर रखा जाए, तो आ जाइए स्लाइड में ऊपर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। इस फार्मूले में जब हम आई का मान, आयोटा का मान रखेंगे 1, तो क्या आ जाएगा? तिरछा गुणा करके आप बताइए क्या आ जाएगा? वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की कुल संख्या बराबर हो जाएगी वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की कुल संख्या। तो यदि कोई ऐसा तत्व आपके पास है, ऐसा कोई पदार्थ आपके पास है जो जिसके लिए हम आई का मान 1 रख सकते हैं, वो तभी होगा जब वियोजन के पूर्व जो कणों की संख्या होगी वही वियोजन या संगुणन के पश्चात भी होनी चाहिए। तो ऐसे जो पदार्थ हैं, ऐसे जो विद्युत अपघट्य हैं, इनका जो मान प्रयोगशाला में आएगा वही गणनात्मक भी आएगा, तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी ऐसे विद्युत अनपघट्यों के लिए जिनके लिए हम बोलेंगे उनका वियोजन हो रहा हो या संगुणन हो रहा हो। अब ये जो दो फार्मूले दिए गए हैं इनको ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। AXBY का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला है NaCl एक कोई है, या हम ऐसे कर सकते हैं कोई है Na2O3 या Al2O3, इस प्रकार का कोई भी कैल्शियम नाइट्रेट CNO3 का होल ट्वाइस, तो इस प्रकार कोई भी विद्युत अनपघट होगा उसके लिए जो आयोटा आई का जो मान होगा, ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, आई का जो मान होगा वो होगा आई बराबर 1 ब्रेकेट में x + y - 1 ब्रेकेट 1 अल्फा, जहां पे जो यक्स है वो है धनायनों की संख्या और जो वाई है वो है ऋणायनों की संख्या। तो यहां पर ये फार्मूला आप याद रखिएगा। अल्फा क्या चीज है? तो अल्फा को हम यहां देख सकते हैं कि अल्फा है वियोजन की मात्रा प्रतिशत में बटे 100, वियोजन की मात्रा प्रतिशत में बटे 100, इसको आप याद रखिएगा। संगुणन के लिए अगर कहीं संगुणन हो रहा है, सवाल में देगा, आप इसकी चिंता मत करिए, वियोजन हो रहा है या संगुणन हो रहा है सवाल में आपको दिया जाएगा। तो संगुणन के लिए अगर हम बात करें तो हमारा जो फार्मूला होगा वो ये अप्लाई करेंगे। 1 क्या लिखेंगे? आई बराबर 1 - α + α/n, स्मॉल n यहाँ रहेगा। तो n क्या चीज़ है? तो अगर कोई द्विलक होगा उसके लिए n बराबर 2 रखेंगे, अगर त्रिलक होगा तो n बराबर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो ये द्विलक और त्रिलक ये आपको सवाल में दिया रहेगा, तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो अल्फा होगा वो होगा संगुणन की मात्रा प्रतिशत में बटे 100, अगर वियोजन होगा तो वियोजन की मात्रा प्रतिशत में बटे 100, अगर संगुणन होगा तो यहाँ पे जो अल्फा होगा वो संगुण की मात्रा प्रतिशत में बटे 100। इतनी बात हो गई। अब हम एक क्या करना होगा, जितने भी हमने अणुसंघ के गुणधर्म पढ़े थे अब उस सभी में क्या करना होगा, संशोधन। अब उन सभी अणुसंघ गुणधर्मों में हमें संशोधन करना होगा। जैसे हमने वास दाब में आपेक्षिक कोणों में चौथा फार्मूला पढ़ा था ना, याद होगा आपको कि पी विलायक माइनस पी एस बटे पी एस, पी नॉट विलायक माइनस पी एस बटे पी एस बराबर क्या था, एन ए बटे एन बी, विलय की मोल बटे विलायक की मोल। अब हमने इसमें संशोधन क्या किया, आई से गुणा। इसी प्रकार पाई बराबर सी एस टी, हमने याद कराया था आपको पाई बराबर सी एस टी। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला आपने पढ़ा था इसमें क्या चेंज हुआ है, आई से गुणा। सम परासरी विलयन के लिए सी वन बराबर सी टू आपने पढ़ा था, तो बस हमने क्या किया आई वन और आई टू से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इसी प्रकार क्वथनांक में उन्नयन के लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था, क्वथनांक में उन्नयन के लिए और हिमांक में औनमन के लिए, दोनों में कोई चेंज नहीं है। इन चारों फार्मूले में बस आपको आयोटा आई से क्या करना है, गुणा करना है। आइए एक सवाल देखते हैं, एक सवाल ले रहे हैं, इसके बाद हम और भी सवाल आपको कराएंगे।
चलिए सवाल देखते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट CNO3 का होल ट्वाइस का प्रेक्षित और गणनात्मक अणुभार, ये अणुभार होगा प्रेक्षित एवं गणनात्मक अणुभार क्रमशः 65.6 और 164 है, तो वियोजन की मात्रा प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। आपको वियोजन की मात्रा प्रतिशत में निकालनी है, मतलब आपको निकालना है अल्फ़ा। तो अगर आपको अल्फ़ा निकालना है तो हमने अभी आपको फार्मूला पढ़ाया कि अल्फ़ा जो फार्मूला था आई बराबर क्या था, 1+(x+y-1)(अल्फ़ा) ये फार्मूला था। अगर आपको अल्फ़ा चाहिए, अगर आपको अल्फ़ा चाहिए तो आपको एक्स वाई पता चल जाएगा। एक्स वाई कैसे मिलेगा मुझे, एक्स क्या है धनात्मक संख्या, वाई क्या है ऋणात्मक संख्या। जब कैल्शियम नाइट्रेट को हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कैल्शियम +2+NO3-1 होता है। अब यहाँ पे प्लस दो आवेश है, यहाँ पे माइनस एक आवेश है, बैलेंस करने के लिए हमें दो से क्या करना पड़ेगा, गुणा। अब बताइए धनायन कितने हैं, एक धनायन है। धनायन कितना यहाँ पे है, एक धनायन है। ऋणायन कितना है यहाँ पे, दो। तो एक्स बराबर एक और वाई बराबर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, देखो आवेश दो हैं, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे धनायन दो हैं, आवेश दो हैं, धनायन एक ही है। आवेश यहाँ पे माइनस एक है, लेकिन यहाँ पे कितने धनायन है, माइनस एक वाले दो। तो धनायनिक संख्या एक, ऋणायनिक संख्या दो। तो एक्स वाई मुझे मिल गया, एक्स वाई मिल गया, अल्फ़ा निकालना है। अगर एक चीज़ पता चल जाए, क्या, आई आयोटा। तो आयोटा मुझे कैसे पता चलेगा, हमें क्या दिया हुआ है, सवाल पे आ जाइए। प्रेक्षित और गणनात्मक अणुभार वो आपको दिया है 65.6 और 164। तो अगर मुझे अणुभार दिया है तो हमने फार्मूला पढ़ लिया है, गणनात्मक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार निकाल दे कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमें आई मिल जाएगा। तो पहले हम इसका इसके डिवाइड करेंगे, आई निकाल लेंगे, एक्स वाई का मान मुझे मिल जाएगा, एक्स वाई का मान मैं यहाँ रखूँगा, अल्फ़ा आ जाएगा। तो अल्फ़ा जो आएगा, अगर उसका मान मुझे प्रतिशत में निकालना है तो इसके पहले हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या था, अल्फ़ा बराबर वियोजन की मात्रा प्रतिशत में बटे 100। तो अल्फ़ा जब आप निकाल लेंगे, जब आप अल्फ़ा निकाल लेंगे तो 100 से गुणा करना मत भूलना, क्योंकि आपको वियोजन की मात्रा प्रतिशत में निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या दिया था, कैल्शियम नाइट्रेट, तो हमने इसका आयन किया, कैल्शियम +2 और +2NO3-। यहाँ पे मुझे धनायन और ऋणायन कितने मिले, 1 और 2। और मैं ये फार्मूला जानता हूँ क्योंकि मुझे अणुभार दिया था, हमने ये फार्मूला आपको पढ़ाया। गणात्मक या सामान्य अणुभार था 164 और प्रेक्षित था 65.6, भाग करेंगे तो आएगा 2.5। अब आई मिल गया, जब आई मिल गया तो अपने फार्मूले पे आ जाइए। कौन सा फार्मूला हम जानते हैं, आई बराबर 1+(x+y-1)। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा मैं नहीं लिखा है, आप लिख दीजिएगा, अल्फ़ा हो गया। ओके, तो आई बराबर 1+(x+y-1) अल्फ़ा। ओके, ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। ओके, तो ये फार्मूला याद रखिएगा। अब मुझे आई मिल गया है, आई 2.5 है, 1, और एक्स का मान वाई का मान हमने यहाँ रख दिया है, अल्फ़ा मैंने यहाँ निकालूंगा, तो अल्फ़ा का मान मुझे कितना मिला, इतना। अब 100 से जब गुणा कर देंगे तो अल्फ़ा का मान कितना आएगा, 75%। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ऐसे भी सवाल और हमारे पास हैं तो कोशिश करेंगे कराने के लिए आगे आपको। बाकी आप बताइएगा क्या समझ में आया क्या नहीं, और प्रयास करिएगा जितने भी सवाल होंगे। अब आप विलियन में ऐसा कोई सवाल नहीं है जो नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। बस अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो मान चलिए सरा का सरा सवाल आपका हो जाएगा। बस चीज़ों को समझिए, देखिए क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया है, क्या हमें निकालना है, फार्मूला हमारे पास क्या है, और इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।